हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डीजी स्कूल। आज हम क्लास टेंथ क्वेरी क्वेश्चन के 40th क्वेश्चन को करेंगे। ये मेरी 40th वीडियो है, इसके पहले मैं 39 वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप उनमें से कोई भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं, और या तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो आपको इन करेक्ट ऑर्डर मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इन क्वेश्चन हमारे चैनल में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप भी चाहते हैं क्वेश्चन पूछना तो आप चैनल पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और आप हमारे ऐप पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये क्वेश्चन हमारे एक व्यूअर है जिनका नाम आशा राव है, उन्होंने पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 35/50 विदाउट एक्चुअल डिविजन। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में तो आसान है, बट आपको हो सकता है कहीं मुश्किल लग रही हो, तभी आपने ये पूछा। देखिए, हमारे पास हमें कहा है कि 35/50 को डिवाइड किए बिना एक ऐसा भी निकालना है कि मेरे पास कि डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। डेसिमल एक्सपेंशन से क्या तात्पर्य है? देखिए, मैंने 1/100 लिखा तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 0.01। तो ये क्या होती है, ये इस नंबर की क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं किसी नंबर को तो फिर हम क्या कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, हो गया, क्लियर हो गया ना आपको। अब देखिए, हमें कहा है कि इसको डिवाइड किए बिना, एक्चुअली जब हमें इसको ऐसे देता है नंबर तो हम क्या करते हैं, कितना डिवाइड करते हैं, है ना, 50 लगाया और फिर डिवाइड करना शुरू कर दिया। बट हमें ये नहीं करना है क्वेश्चन में, हमें चाहिए कि हम डेसिमल एक्सपेंशन भी निकाल लें और एक्चुअल डिविजन भी ना करनी पड़े। तो क्या करेंगे आप इस सिचुएशन में, किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि मैं उसको 10 या ऐसे 100 की फॉर्म में ले आऊँ। ठीक है, या 1000 ऐसे कुछ ले आओ, तो जितने जीरो होते हैं उतना मैं पॉइंट लगा के रख देता हूँ, है ना। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ। बका भाई, यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे तो ऐसे कुछ दे ही नहीं रखा, हमें लाना है 1/100 की फॉर्म में, कुछ ऐसी फॉर्म में लाना है जिसमें आखिरी में 100 के आसपास में नंबर बैठे, जैसे 1/100 हो गया, 1/10 हो गया, कुछ ऐसा नंबर हमें गाना ही गाना है। तो हम क्या करें, अब आप सोचिए। तो सिचुएशन में हम ये करेंगे कि 35/50 है, अगर मैं ऊपर भी कू और नीचे भी कू मल्टीप्लाई कर दूँ कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं टू कैंसिल आउट कर देता हूँ तो क्या बचता है, 1 और 35 × 1, अब 35/50 × 1 क्या होगा, 35/50, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 35/50 को मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के टू के मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए, 35 × 2 क्या होता है, 70 होता है, और 50 × 2 क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल हो गया है, इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा, 7/10। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.7, और ये हमारा क्या है आंसर। यही एकमात्र मेथड है जिससे आप विदाउट एक्चुअल डिविजन उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन का या कहीं तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की याद इसमें है नहीं एक्चुअली। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करिए, उनकी मदद हो जाएगी, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है जिससे हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बनाते रहे और आपकी मदद करते रहे, और कंटिन्यू सपोर्ट के लिए थैंक यू। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बन आती है, उस पर क्लिक कर दीजिए, उसमें क्या होगा कि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसके पहले आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर